हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड में बेहद कम समय में अपना अलग मुकाम बना चुके विक्की कौशल के बारे में। आज यानी 16 मई को अपना बर्थडे मना रहे विक्की कौशल ने पिछले 2 साल में राजी, संजू और उरी द सर्जिकल स्ट्राइक जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म में काम किया है। विक्की कौशल को फिल्म मसान से पहचान मिली थी। उनके पिता श्याम कौशल फिल्मों के जाने माने एक्शन डायरेक्टर थे। विक्की अपने बचपन में मुंबई के चौल में रहा करते थे। हालांकि उन्हें बचपन से ही थिएटर, एक्टिंग और डांस करने का काफ़ी शौक था। विक्की ने मुंबई के राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से टेलीकॉम इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया था। ग्रेजुएशन के बाद वह विदेश नौकरी करने चले गए थे। हालांकि उनका ऑफिस में मन नहीं लगा, वह एक्टिंग में करियर बनाने के लिए वापस भारत आ गए और किशोर नमित कपूर के एक्टिंग स्कूल में दाखिला लिया। विक्की कौशल ने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने अपने पहले ब्रेक के लिए कई जगह ऑडिशन दिया था, हालांकि उन्हें रिजेक्शन का सामना भी करना पड़ा। इसके बाद उन्होंने अनुराग कश्यप की फिल्म गैंग्स ऑफ बासेपुर में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया था। इस फिल्म के बाद ही विक्की कौशल के करियर को उड़ान मिली। विक्की कौशल की बतौर लीड एक्टर फिल्म मसान थी, जिसमें उनके करियर को काफ़ी पसंद किया गया। विक्की की डेब्यू फिल्म लव शप्ते चिकन खुराना थी। विक्की को बचपन से ही एक्टिंग का शौक था, यहाँ तक कि कई सारी प्रतियोगिताओं में भी विक्की ने हिस्सा लिया था, जिसमें डांसिंग भी शामिल था। विक्की कौशल को रमन राघव में कास्ट करने को लेकर अनुराग कश्यप असमंजस में थे। अनुराग को लगता था विक्की नकारात्मक यानी नेगेटिव रोल नहीं निभा पाएंगे। हालांकि विक्की ने अनुराग को किसी तरह से ऑडिशन देने के लिए राजी किया और उनका यह किरदार इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं अगर आप और भी ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।